देवेंद्रनगर थाना प्रभारी की निष्क्रियता और थाना स्टाफ के तानाशाही रवैये के चलते देवेंद्रनगर में एक भय का वातावरण बनता जा रहा है। बीते दिनों वार्ड क्रमांक 14 में निवासरत किसान सूरज पटेल को उसी के घर के सामने 100 डायल की टीम ने बेदम पिटाई के बाद उसे बेसुध कर दिया। पीड़ित ने बतलाया कि वो किराने का सामान लेकर लौटा ही था कि पुलिस वालों ने उसे बुलाया तो वह घर के बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वे कुछ समझ पाता पुलिस बल उन पर टूट पड़ा। पीटने वालों में 100 डायल का ड्राइवर भी शामिल हो गया। ज्यादातर प्रहार आंख पर ही किए गया, जिससे आंख पर खून उतर आया। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस ने निपराध किसान को मारा क्यों? सबसे बड़ी हास्यास्पद बात मामला तुल पकड़ते ही पूरा पुलिस प्रशासन माफी तो मांग रहा है, लेकिन दोषियों को सजा देने से कतरा रहा है। उक्त मामला भाजपा नेत्री अमिताभ बागरी और देवेंद्रनगर भाजपा मंडल अध्यक्ष ललित गुप्ता के संज्ञान में आने के बाद से अब ये मामला प्रदेश स्तर तक पहुंच गया। उन्होंने पीड़ित के घर जाकर मुलाकात की और न्याय का आश्वासन दिया। भाजपा नेत्री अमिताभ बागरी जी ने तत्काल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को मामले की जानकारी दी। पूरे मामले की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष को दी गई तो उनके द्वारा कहा गया कि किसान को पूरा न्याय मिलेगा, दोषियों के खिलाफ FIR भी होगी और उन्हें सजा भी होगी। संदीप शुक्ला की रिपोर्ट। बाहर आया तो इनने मारपीट, 4-5 लोग थे ये, मेरे को बेरहमी की तरह मेरी आंखों में गंभीर वार किया, जिससे उसके कारण मेरे को दिख नहीं रहा एक आंख में बिल्कुल, और कई जगह गंभीर चोटें आई हुई हैं। मेरी कोई वजह नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, घर से बुला करके मुझे मारा। के साथ में ललित गुप्ता, हमारी दीदी अमिताभ बागरी, और क्या आश्वासन दिया इन लोगों ने? कहा कि आपको न्याय मिलेगा, आप हम आपके साथ हैं, और जहां तक है ये आश्वासन दिया है कि आपको न्याय ही मिलना चाहिए। जी आज नहीं, मैंने कल SP ऑफिस में आवेदन दिया है और उन्होंने कहा है कि आपके उचित न्याय मिलेगा और आपकी जांच। निवासी हूँ बम्बई के, सूरज पटेल जी नाम है इनका। इनके साथ बीती रात में पुलिस प्रशासन द्वारा मारपीट की गई है, जिसमें 100 डायल इनके घर पहुंची, बिना कारण के इनको बुला के इनके साथ मारपीट गई है, जो पूरी दिख रही है शरीर में, इनके और भी जगह निशान है, आँखों में दिख रहा है। जिस हिसाब से पुलिस की यहाँ पे स्थिति चल रही है हमारे देवेंद्रनगर में, आए दिन कुछ ना कुछ होता है। पुलिस प्रशासन अपने जो गुंडे रूप में उतारू हो गया है। मेरा निवेदन है पुलिस कप्तान से, IG साहब से, DIG साहब से, इस तरीके की घटनाएं हमारे देवेंद्रनगर में आगे ना हो। SP साहब को आवेदन दे दिया गया है, उन्होंने जाँच में लिया है मामला और जाँच उचित होगी, प्रशासन का हमें भरोसा है। अगर कहीं भी जांच में निष्क्रियता पाई जाती है तो आगे हम IG लेवल पे जाएंगे, उनको न्याय जरूर दिलाएंगे।